हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। चैप्टर 3 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। हमारे पास एक वन वेरिएबल है, एक टू वेरिएबल है। क्या होता है वन वेरिएबल है टू वेरिएबल? वन वेरिएबल होता है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जैसे 5x + 10x = 15। आपके पास ये कोई इक्वेशन दे रखी है, या फिर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है 3x + 2x = 30। इस टाइप से इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी, दोनों में x है ना हमारे पास है। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं कि वन वेरिएबल की, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो वन वेरिएबल की इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट कैसे होती है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 10 कितना आ जाएगा 15x = 50 5 × 3 = 5, 10 = 10 तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे पास आती है टू वेरिएबल्स के हमारे पास क्या होती है, जो एक्स और वाई दोनों के रिलेशन से इक्वेशन आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशंस। उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसमें हमारे पास डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है डिपेंडेंट? जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है कि x + 2y = 10। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे तो हम सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ हम ना x की वैल्यू पता ना y की वैल्यू पता, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, डिपेंड है हम किसी पे, एक पे, कि किसी भी एक की वैल्यू मिल जाए। मान लिया x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो y क्या आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, 2y = 10, और 2y = 10 - 1 = 9। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। फिर अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, 2 + 2y = 10 आ जाएगा आपके पास से। 2y = 10 - 2 = 8। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 कैंसिल होके क्या आई y की वैल्यू 4। तो हमारे पास डिपेंड किस पे है, x पे डिपेंड हो गई अब y की वैल्यू। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो वो x पे डिपेंड हो जाएगी, x डिपेंड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने का होता है हमारे पास से? टू वेरिएबल्स का आएगा हमारे पास है, कि x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि y की वैल्यू क्या आएगी, या फिर y की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या देगा। ठीक है, ये है हमारे पास से टू वेरिएबल्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज में, जैसे भी आएगा मैं बताते रहूँगी आपको साथ साथ। एक्सरसाइज 4.1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। किसी नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स दो गुना। क्या होता है ट्वाइस से, किसी का दो गुना। द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बनाओ टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने मान के चल पड़े कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट क्या लेके चले हम, एक्स। कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट हमारे पास क्या हो गई, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या रिलेशन है, कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कि जो नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। अगर हम नोटबुक की जो कॉस्ट दे रखी है वो 2 times कर देंगे, तो इट मीन्स इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगी ना, तो क्या लिख देंगे, 2x = y आ जाएगा आपके पास। अब y को प्लस से इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2x - y = 0। ये हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस की हुई है लीनियर इक्वेशन, ax + by + c = 0, एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट में 2x + 3y = 9.35 bar। अब देखो इधर प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस आ जाएगा, फिर हम कर देंगे बाई कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे कि इससे और इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x है, x का जो कोफिशियंट है वहाँ पे वैल्यू क्या है, a = क्या आ जाएगा आपके पास से,
टू, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3, एंड सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9.35 बार। इसी तरह हमें कंपेयर करना है। सेकेंड इक्वेशन दे रखी x माइनस वाई बाई 5 - 10 इज इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे इससे आगे कोफिशियंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई में क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए a की वैल्यू क्या आई 1। उसके बाद b, अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखो क्या है, y की अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, तो हमारे पास यही आएगा y बन जा y बाई 5, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा b का -1/5। इसी तरह नेक्स्ट है c, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -10। नेक्स्ट -2x + 3y = 6, a को कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। नेक्स्ट है फॉर एक्स इज इक्वल टू 3y, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3y है आपके पास, अब 3y को इधर लेके आएंगे क्या आएगा x - 3y = 0। x से आगे कोफिशियंट हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू y के आगे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो y से आगे क्या है कोफिशियंट -3, तो b की वैल्यू क्या आएगी -3, एंड c, c हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास c 0। नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू -5y, -5y को इधर लेके आएंगे 2x + 5y = 0, a की वैल्यू हमारे पास कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या आई 5y, और c हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या लिख देंगे हम उसको 0। नेक्स्ट 3x + 2 = 0, अब हम a की वैल्यू कंपेयर करेंगे कि x का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे ए एक्स हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है, एक्स से आगे जो कोफिशियंट है वो ए का है, तो एक्स से आगे कोफिशियंट क्या है 3, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3। उसके बाद बी वाई, वाई का जो कोफिशियंट है वो बी की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर तो वाई का कोई कोफिशियंट है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 0 लिखेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 0y + 2 = 0, ऐसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, तो हमारे पास b का कोफिशियंट क्या हो जाएगा 0, और c हमारे पास क्या है 2। नेक्स्ट है y - 2 = 0, अब इससे आगे 0 का कोई x का सॉरी कोई कोफिशियंट नहीं है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0x + y - 2 = 0 लिख देंगे। अब देखो a का हमारे पास कोफिशियंट, a का हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे आगे क्या है 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2। इसी तरह 5 = 2x, इसको इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 2x - 5 = 0, फिर हम इसको बना लेंगे 2x + y का कोई कोफिशियंट नहीं दे रखा, तो y 0 लिख देंगे -5 = 0। अब हमारे पास क्या आया a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू 0, एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।